गुना पुलिस अधीक्षक के पंकज श्रीवास्तव द्वारा गुना जिले में अवैध मादक पदार्थ एवं शराब के विरुद्ध एक विशेष अभियान नशा मुक्ति चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गुना पुलिस द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबारियों पर निरंतर कार्रवाई या उन्हें निस्तनाबूत किया जा रहा है। तो इस अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुना विनोद कुमार सिंह और CSP गुना श्वेता गुप्ता के मार्गदर्शन में कैंट थाना पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है, साथ ही एक गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये गांजे से भरा हुआ ट्रक इंदौर तरफ जा रहा है। इस सूचना पर CSP गुना और TI कैंट ने नाकेबंदी की। ट्रक को रोका गया तो सूचना सही पाई गई। ट्रक की जब तलाशी ली गई तो उसमें रबर के मटेरियल था, लेकिन उसके अंदर गांजे के पैकेट भी थे। जब खोलकर पूरे ट्रक को तलाश ली गई तो कुल मिलाकर 75 पैकेट गांजे से भरे हुए थे। हर पैकेट में करीब 10 किलो गांजा था। इस प्रकार टोटल 750 किलो गांजा जब्त किया गया है।